तेजपाल नागौरी कावा हूँ और मैं कलाकार बस्ती के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये कलाकार बस्ती जयपुर में है। ये कलाकार बस्ती जयपुर में है, शास्त्री नगर में, पानीपेच कलाकार बस्ती, पुलिस अकेडमी रोड, नेहरू नगर, जयपुर। और स्टार्टिंग से हम लोग पहले चांदपुर थे, चांदपुर अनाज मंडी, अनाज मंडी के बाद में आए सिंधी कैंप, सिंधी कैंप के बाद में उसके बाद में गए फतेह टीपे, जो खरबूजा मंडी है, जयपुर से खरबूजा मंडी है। खरबूजा मंडी के बाद में फिर उसके बाद में हम लोग इधर आए सीकर हाउस, सीकर हाउस से आए पीतल फैक्ट्री, पीतल फैक्ट्री के बाद में हम लोग पानी पेच कलाकार बस्ती आए। और पानी पेच में आने के बाद में अब हमारी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, हमें से घूम कर जाती गए हैं और हमें आज तक कोई सरकार से कोई सहारा नहीं मिला। एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहे, बस एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, आते रहे, और हमें उठाने की बहुत कोशिश करी, अब हम नहीं उठेंगे यहाँ से। ये जो जगह है इसका नाम कलाकार कॉलोनी क्यों बोलते हैं? कलाकार बस्ती में ये कलाकार कॉलोनी यूं रखी है कि सब लोग कलाकार ही रहते हैं। किस तरह के कलाकार हैं यहाँ पे? जैसे कठपुतली कलाकार है, कालबेलिया कलाकार है, जैसे राजस्थानी गायक है, हाथी घोड़े बनाते हैं, ये सभी समाज के हम लोग यहाँ रहते हैं कलाकार बस्ती में। कितने परिवार होंगे यहाँ पर? करीब 1000 घर की बस्ती है। 1000 परिवार हैं? 1000 परिवार। तो कितने दिन पहले आप लोग कलाकार कॉलोनी में आ गए थे? हम लोग आ गए थे यहाँ 25 साल हो गए मैं रहते हुए, और 25 साल से ही रहते हुए आ रहे हैं। अब तो हमारे गटर लाइन भी डल गई है और घर घर में मतलब अब तो बिजली भी लग गई है, टेलीफोन भी लग गया है, मतलब हर चीज का सहारा बन गया। अब लोग हमें जमीन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये ऑथराइज कॉलोनी तो नहीं है कलाकार कॉलोनी? ऑथराइज तो नहीं है, अब गवर्नमेंट मान्यता नहीं दे रही है इसको कि हम लोग जर्मन, इटालियन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सभी कलाकार वहाँ जाते हैं और सभी कलाकार जाके भी हम लोग कोई तरक्की नहीं कर पाए। और हमें लोग बड़े से बड़े बढ़ावा देते हैं, भाई आप वहाँ प्रोग्राम करो, वहाँ प्रोग्राम करो। ये आपके बसंतरा जी भी आते हैं, उनका वेलकम भी हम ही करते हैं, गहलोत जी का भी वेलकम हम ही करते हैं, मगर हमें आज तक सरकार ने कभी सहारा नहीं दिया हमको। इस कच्ची झोपड़ी में रह रहे के टाइम पास कर रहे हैं, बड़े बड़े पुरस्कार दे रहे हैं, बड़े बड़े अवार्ड दे रहे हैं, वैसे राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं, मगर आज तक हमारी कोई तरक्की नहीं हुई। मतलब पुरस्कार मिला लेकिन सम्मान नहीं मिल पा, एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे। ये हाथी घोड़े बना रहे हैं, बड़े ये हाथी घोड़े बना रहे हैं, हमारे बच्चे का पहलवान भगवत भाई ये हाथी घोड़े बना रहे हैं और इसको बना के हम पेट भरते हैं जी। फिर भी हमारा पेट नहीं भर पाता, 4 महीना सीजन चलता है, 8 महीने घर बैठे खाते हैं और वो भी कर्जा ले लेके खाते हैं। और आज तक कोई सरकार, देखिए हमारी नालियों की हालत हो रही है, देखिए नालियों की हालत हो रही है, इसी में मच्छर खाते हैं, इसी में रहते हैं। आप लोगों ने कोशिश की कि ये जगह जो है ये अस्थाई हो जाए आप लोगों के पास? भाई कोशिश तो खूब करते हैं, नेता नागले आते हैं, हमें हिम्मत बताते हैं, आपकी बार तुम्हें पट्टा दिला देंगे, आपकी बार वो करा देंगे, आपकी बार वो कर दें, मगर इस बस्ती का लिस्ट में नाम ही नहीं है। यहाँ किस तरह के कलाकार हैं आमतौर पर? हमारे पास ऐसे हैं कि यहाँ पे हाथी घोड़ी बनाई जाती है, यहाँ कठपुतलियाँ बनाई जाती है, यहाँ कठपुतली नचाई जाती है, यहाँ से लेके देशों विदेशों में भी काम करते हैं। जैसे कालबेलिया समाज के हैं, वो राजस्थानी पुंगी बजा के अपनी लड़कियों को डांस करवाते हैं और उसके साथ संगीत के साथ डांस होता है, मगर लोग देश विदेश जाके भी यहाँ परेशान है, जाते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, मगर आखिर आते तो घर पे है ना, फिर हमारी हालत को देख के हमको खुदा खुद देख के रोना पड़ता है। राजस्थान सरकार से किस तरह की मदद मिल रही है आप लोगों को? सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं मिल रही, सरकार से कोई चीज की मदद नहीं मिल रही है। पहले न तो हमारे पास बीपील कार्ड, यहाँ पे बीपील कार्ड भी नहीं दिया गया कलाकारों के लिए, जैसे कुछ बिजली के कोई व्यवस्था का, बिजली की थोड़ा सा होना चाहिए। इधर चले, इधर चले, कठपुतली के बारे में दिखा दें जी, आप कुछ बता रहे हैं? आप जिनके घर पे जा रहे हैं जी, जी मेरे बड़े भाई मूलचंद जी थे जी, मेरे बड़े भाई मूलचंद जी थे, उनका शुभारंभ हो गया,
भाभी जो कठपुतले निकाल देना, कठपुतले निकाल देना दो चार। ये मेरे बड़े भाई मूलचंद जी है, कावा है और राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम दिखाते हैं कठपुतली का खेल जी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए हैं, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है और बड़े बड़े कठपुतला काला उठा दे मैं कहा हाँ नीचे वाले उठा दे जी। ये कठपुतली का प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे भाई साहब प्रथम हो गए, ये भाभी जी समाज के कठपुतली का टूरिज्म डिपार्टमेंट तो पहले काफी मदद करता रहा है आप लोगों को। नहीं करता रहा, पहले तो कठपुतली के नाच में जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम किया और पहले हर कलाकार को पेमेंट, जैसे 10 कलाकार जैसे ना 10 कलाकार का पेमेंट एक जगह मिलता था, आजकल हर कलाकार को अलग अलग चेक दे रहे हैं, चेक भी नहीं दे रहे उनके खाते में पैसे पहुँचा रहे। भाई 10 आदमी गए तो 10 आदमी का खाता ला गया और 10 आदमी खाता खाते में पैसे डल गए। ये तो अच्छा है ना, सीधा खाते में पैसा आ रहा है। अच्छा तो है मेरा, उसमें किराया भाड़ा की जरूरत पड़ती है, उसमें कलाकार को ले जाना जैसे ड्रेस धोके ले जाए या मतलब आगे जाके प्रोग्राम करें, किराया भाड़ा लगता है, वो कौन संभालेगा? अरे वो पैसे कब आते हैं, कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 8 महीने बाद, तो कलाकार इतना इंतजार थोड़ी करेगा। हम तो रोज कुआ खोते, रोज पानी पीते। अब आज के समय में कठपुतली डांस और ये कलबेलिया, हाँ ये कठपुतली का डांस दिखाते हैं, ये कठपुतली नचा के जी राजस्थानी प्रोग्राम दिखा के और फिर हमारा पेट भरा जाता है। आज तो कठपुतली का नाच नहीं भी देख नहीं पाते, लोग टीवी चल गई, VCR चल गया, तो कठपुतली नाच कौन देखेगा आजकल? तो क्या ये टेलीविजन और इन सब चीजों के बाद क्या ये कठपुतली का नाच और इस तरह के बिल्कुल कम हो गया, इस तरह के आर्ट जो थे पारंपरिक कला जो है वो क्या खत्म हो रही है? बिल्कुल कठपुतली का नाच बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो क्या उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा कहीं से? बचाने का प्रयास कैसे होगा, जब कठपुतली कौन देखेगा, जब आजकल जिंदा डांस कर रहे हैं, जिंदा डांस देख रहे हैं तो इसको कौन देखेगा? एक से एक नाटक चल गया, परिवार पितरों चल गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी इच्छा है भाई कठपुतली का नाच जिंदा रहना चाहिए, हाँ इसको दिखा के अभी पेट भर सकते हैं। तो कैसे ये जिंदा रहेगा? तो कैसे जिंदा रहेंगे, तो कोई समझने की बात ही नहीं कर हमसे कि भाई कठपुतली नचा रहे हो तो कोई प्रोग्राम देगा तो भी होगा ना। अब आजकल कोई प्रोग्राम के लिए बुलाते ही नहीं कठपुतली के नाच, कठपुतली के नाच के लिए कोई बुलाता ही नहीं। कोई 4-6 महीने में कोई जिसको बच्चे का जन्मदिन हुआ उसने बुला लिया, नहीं बेटा कौन बुलाता। मतलब ये कलाकार कॉलोनी में आप सब लोग रहते हैं और इस कॉलोनी में रहते हुए एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है आप लोग? बहुत मजबूर है, ये भी कोई जीने में जीना है क्या हमारा? 4 महीने सीजन होता है और 8 महीने बैठे खाते हैं, जबकि आप लोग विदेशों में भी लगातार विदेशों में तो कोई ले आता तो कौन सा हमको खिलाते हैं? जैसे कोई मक्खन तो वो खा जाते हैं और छाछ पानी हमको पिला देते हैं। मतलब वो भी सोशल है, वहाँ भी जो कोऑर्डिनेटर है, जो ले जाने वाले लोग, वो पहले तय कर लेते हैं तुम क्या लोगे, 500 रुपए रोज लोगे, 600 रुपए रोज लोगे, आपको इतनी ही कीमत मिलती है। इतनी कीमत मिलती है, आगे हमको कीमत नहीं मिलती, बैठ ज्यादा कीमत नहीं मिलती है, इतनी छोटी सी कीमत में आपको ले जाते हैं और आप कहीं ना कहीं वहाँ भी इस्तेमाल हो जाते हैं। वहाँ भी हो जाते हैं, वहाँ भी मना करते हैं बेटा इसका, हमें वहाँ भी मना करते हैं कि तुम कठपुतली का खेल लेके जा रहे हैं या काले बिले जा रहे हैं लेके देश विदेश, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं, छाछ पिलाते हैं हमको, मक्खन तो मंगाए थे, बड़े बड़े आदमी दस्तखत करा लेते हैं हमसे, भाई इसमें साइन करो, अनपढ़ आदमी है वहाँ दस्तखत कर देते हैं और वो अपने फायदा उठा लेते हैं मौके का। अब आप बताइए कि राजस्थान की ये कलाएं कठपुतली और कठपुतली, हाँ ये सारी कलाएं बचेंगी कैसे? बचाने के लिए तो ऐसा है कि कोई हमें हमारी कोई मदद करे कि भाई तुम्हारा कठपुतली शो बढ़ावा जाए या तुमको प्रोग्राम यहाँ फलानी कंपनी से मिल रहा है, जैसे इस कंपनी से आपको दे रहे, टूरिज्म से दे रहे, पहले हमारे क्या जीवन बीमा की तरफ से भी हमको प्रोग्राम मिलते थे, फैमिली प्लानिंग की तरफ से भी प्रोग्राम मिलते थे, शिक्षा भगवान से तरफ से भी प्रोग्राम मिलते थे, शिक्षा भाग से। अब हमें कोई बुलाता ही नहीं तो कैसे होगा? लोग बड़े बड़े प्रोग्राम यूँ रख लेते हैं अपने बचत खाते में, बड़ा बड़ा जो फंड आते हैं उसमें पैसे बचे होते हैं, हमें कोई देता ही नहीं। मैं धीरे धीरे आप लोग हाशिए से और हाशिए पे चले जा रहे, कोई तो रिक्शा चलाने जा रहा है, कोई मजदूरी करने जा रहा है, कलाकार मजदूरी करने जा रहा है, मतलब ये हालात बन रही है, बन रही है, बिगड़ रही है।
कि वो कलाकार है लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो वो अब देखो ये मकान है, इसको बनाने के लिए बना लिया हमने, मगर इस पर टेंट नहीं डल रही है, टेंट चेन भी नहीं डल रहा। ये देख लीजिए ये पड़े, इसके सामान देखो अंदर आके कितना सामान पड़ा। आइए देखिए कच्ची बोरी की क्या हालत होगी। आइए कैसा सामान पड़ा हुआ, ये कच्ची बोरी पड़ी है, ये सामान पड़ा, ये हारमोनियम पड़ा, ये ढोलक पड़ा, ये ढोल पड़ा, वो हारमोनियम पड़ा, ये बाकी रणसिंगा पड़ा, वो नगारा पड़ा, वो सामान देखिए। अब इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस्तेमाल कैसे भी, जब कोई प्रोग्राम देंगे तो इस्तेमाल होगा ना। अब देखिए सामान तो कूड़ा खड़ा कितना पड़ा पड़ा, इसको ले लेकर बना, अब ये 4-5 लाख रुपए का सामान ले, मगर क्या काम है ले। मतलब आप लोगों की एक सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी चुनौती ये भी कि अब काम भी नहीं है। काम नहीं है, अरे काम मिलता तो ऐसा गणेश मिलता है कि 10 आदमी आ जाओ, 8 आदमी आ जाओ, तुम्हारा खाते में पैसे ले जाएंगे, तुम्हारे खाते में पैसे ले जाएंगे, तुम्हारे खाते में जाएंगे। जो आदमी इतना सामान का पैसा खर्च किया उसकी क्या हालत होगी, और उसमें भी कीमत 500 रुपए और 1000 रुपए, बस 500-600 रुपए, 500-600 रुपए से ज्यादा मिलती नहीं वो कीमत, चाहे यहाँ से बम्बई चले जाए, चाहे कलकत्ता चले जाए, चाहे जयपुर चले जाए, टूरिज्म की ये हालत है। एक बात बताइए, लेकिन इसी राजस्थान में कुछ लोग जिनका नाम हो गया उन्होंने तो, उन्हें तो बहुत पैसा मिला, और जिन लोगों का नाम उस तरह से वो नाम हासिल नहीं कर पाए, बड़े बड़े कलाकार को नाम है तो खाली नाम ही हो गया उनका, और वो पैसा भी कमा रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई पढ़े लिखे लगे हुए हैं जो वो कमा रहे हैं। अब हमारे पास कोई पढ़े लिखे कोई लगे नहीं, और देखिए सामान देख ले क्या हालत है। हमारे आज तक किसी ने मदद करी नहीं, अभी आज ये अच्छा आर्टिस्ट है, अभी बच्चा परसों 2-4 दिन पहले जाके आया विदेश, सुरेश जी जी ये जाके आया विदेश, मैंने इससे पूछा जाके तो क्या लेके आया, बोला कुछ नहीं, जो कमाया था थोड़ा बहुत चाय पानी का पैसा, यह खर्च कर दिया वहां खर्च कर दिया, ये हालत है इसकी। कुल मिलाकर दुनिया बदल रही है लेकिन कलाकारों की हालत नहीं बदल रही, आप लोग जहां थे वहीं खड़े, कुछ नहीं बदला। कुछ भी नहीं कहते हैं कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, अरे प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे नौछावर कर दो दिल और जिगर, अगर काम कढ़ाया अच्छा है पर फिर कीमत नहीं देखी जाती, पर कोई बुलाते नहीं।